खबर है चित्रकूट के मानिकपुर से, जहां जिंदा कछुओं को जीआरपी पुलिस ने मुक्त करवाकर वाइल्ड लाइफ के क्षेत्रीय वन अधिकारी को सौंप दिया। रविवार की शाम करीब 7 बजे रेलवे कंट्रोल रूम झांसी से जीआरपी मानिकपुर को सूचना मिली कि ट्रेन सीट के नीचे लावारिस बैग है जिसमें कछुए हैं। इस सूचना पर क्षेत्रीय वनाधिकारी त्रिभुवन प्रसाद सिंह अपनी वाइल्ड लाइफ टीम के साथ जीआरपी के उपनिरीक्षक ट्रेन के जंक्शन रेलवे स्टेशन आने पर कोच को अटेंड किया गया, जिसमें 140 जिंदा कछुओं से भरा बैग बरामद किया गया। यात्रियों से पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि प्रयागराज रेलवे पर कछुओं से भरा बैग मिला है। रानीपुर वन्य जीव विहार अंतर्गत वरदहा नदी के पन्ना घाट से सुरक्षित सभी कछुओं को बहते हुए पानी में छोड़ दिया गया है। 140 कछुओं के, ये जो है प्रयागराज जो है कहा है, और इन्हें ये आसाम में पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। इसके अलावा ये बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, और नेशनल में तो 2000 रुपये प्रति का है, और इंटरनेशनल में इसका जो है डॉलर में 1,30,000 रुपये की कीमत बताई जाती है। इनको एक यहाँ पे सेंचुरी के अंतर्गत बनगी बिहार के रानीपुर सुचिरी में वरदहा नदी के जलप्रपात में एक कुंड है, उसका जो प्राकृतिक स्थल है पानी का, जहाँ पे गहराई में पानी और पानी ये चलता हुआ पानी है, वहाँ पे इनको डिस्चार्ज है। तो उनके प्राकृतिक आवास नहीं, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जीआरपी से और हम लोगों का कारण था इतना प्राथमिक कोई मतलब जो है आ रहा है, साकेत ट्रेन से प्रयागराज से आ रहा है, फिर उसकी सूचना पर ट्रेन की तलाशी ली गई और वहाँ पे ये जो है बरामद है। इस नंबर जो रास्ता खराब हो गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।